एंड इसका देख सकते हो इंजन जो लाइट है ये जलना स्टार्ट हो चुका है। क्या वजह से ये लाइट जलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अब बहुत जो खर्चा पड़ा है फ्री सर्विसिंग में वो पड़ा है अराउंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस थंबनेल में देखो तो आपको पता चल गया कि वीडियो किस टॉपिक का अंदर होने वाला है। एंड गाइस थोड़ा बहुत तो आप लोग इंट्रो वगैरह देख चुके होंगे। एंड गाइस हम लोग अपना जा रहे हैं सर्विस सेंटर, जो कि NS का सर्विस सेंटर जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मीटर पे मेरा इंजन लाइट जल चुका है और यहाँ पर ऑयल जो लाइट जल चुका था। एंड गाइस यहाँ पर ये ऑफ हो चुका है। तो अपना जो NS 200 में थोड़ा बहुत इंजन जो ऑयल होता है वो मतलब कम हो चुका है। एंड इसका देख सकते हो इंजन जो लाइट है ये जलना स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस जैसे आप लोगों को जूम करके दिखा दो, देखिए दोस्तों ये जो है जलना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों लाइट मेरा जल चुका है। और आज जो वीडियो में ना सारा चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा क्या इसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दोनों लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है। असल में जो ये लाइट होता है जो ऊपर वाला देख रहे हो ये ऑयल के लिए होता है, जो कम हो जाने से ये लाइट जलना स्टार्ट हो जाता है। और ये इंजन फिक्सेशन के लिए है, जो कि FI के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी अगर दिक्कत हो जाए ना, वायरिंग से लेकर अगर कोई फ्यूल हो जाए या कोई इंजन ऑयल हो जाए बस कम या उससे कुछ हो जाए तो जिसकी वजह से ये जलना स्टार्ट हो जाता है। एंड गाइस हम लोग जैसे ही सर्विस सेंटर जाएंगे तो पूरा आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको जाके पता चलेगा। और वेस्ट बंगाल में ना अभी बहुत ज़्यादा अभी ठंडा पड़ना स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस देख सकते हो यार बहुत ज़्यादा अभी ठंड पड़ रही है। और सूरज मामा अभी जो धूप दे रहा है ना भाई, तब भी ठंड पड़ रही है। तो भाई साहब वेस्ट बंगाल में अभी धूप बढ़ चुका है। ये देखो भाई मिजोर, हो वाह देख रहे हो ये। तो थोड़ा यहाँ पर ब्रेकिंग कर लेते हैं। एंड गाइस जैसे कि देख सकते हो हमारा जो ये वाला जो होता है ये बड़ा सा जंगल पे देखो यार, देख रहे हो ये मिजोर। एंड गाइस आई होप कि आप लोगों को नज़र में आ रहा होगा। तो हमारा इस ये वाला जो जंगल होता है ना भाई, यहाँ पर मिजोर हो गया, बहुत सारा चीज़ ऐसे देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। एंड गाइस इससे पहले कुछ समय के पहले यहाँ पर हाथी वगैरह नहीं था उतना ज़्यादा, लेकिन अभी के टाइम पे ये वाला जंगल में बहुत ज़्यादा हाथी हो चुका है, जिसकी वजह से रात को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा रिस्की पड़ जाता है। तो अगर आप लोग आओ ना अगर पनीगट्टा तो भाई रात का टाइम मत ही आओ, बहुत ज़्यादा अभी हाथी हो चुका है जिसकी वजह से रात के टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। एंड गाइस अभी हम लोग जा रहे अकेले एंड भैया आगे निकल चुका है जो हमारे RTR 200 है, उसको भैया थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे तो बाइक जो है थोड़ा अलग नज़र में आएगा RTR 200। तो अभी फिलहाल टूरिंग वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे तो सर्विस सेंटर जाते हैं, अगर ये बाइक ठीक ठुक हो जाए तो बाइक कहीं भी जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं आएगा अपना बाइक पे लेके। लेकिन भाई थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत हो जाता है ना अपना बाइक पे तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि बड़े बड़े अगर टूरिंग वगैरह करेंगे तो भाई ये छोटा सा अगर भाई दिक्कत आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा अपना दिक्कत देगा यार ये ब्लैक मैन। तो जल्दी इसको बनवा लेते हैं। एंड गाइस आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे ना, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको ये लाइट बन हो सकता है। तो बहुत सारा मैंने YouTube पे वीडियो देखा तो बहुत सारा लोगों को ये मानना था कि यहाँ पर जो है ये जो इंजन लाइट देख सकते हो, अगर इंजन में मोबिल कम हो जाए उस समय ये लाइट ना लग जाता है। तो यार आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या वजह से ये लाइट जलना स्टार्ट हुआ है। एंड गए सर्विस सेंटर जाने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा, तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए वीडियो में। ब्लैक मैन है ना भाई, बहुत तबाही कर रहा है फिलहाल हमारे ये वाला रोड पे। एंड गाइस ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। देख रहे हो भैया फिलहाल जा रहे हैं आगे पे, बाटोग्राफ पहुँच चुका है। एंड गाइस अभी इस साइड पे स्कूल सारा खुल चुका है एंड कॉलेज वगैरह भी सारा चीज़ अभी खुल चुका है। तो थोड़ा जो है ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से, क्योंकि पहले भाई स्कूल वगैरह बंद था, कॉलेज वगैरह बंद था, जिसकी वजह से रोड पूरा खाली था। अभी स्कूल और कॉलेज दोनों खुल चुका है, आप लोग अभी जा सकते हो, मौज कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। देख सकते हो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हो भाई बहुत ज़्यादा पानी है ना भाई। और रात को ना भाई बहुत ज़्यादा हम लोग इधर में बारिश हुआ जिसकी वजह से ये पूरा पानी भर चुका था। कैसा अभी देख सकते हो भाई ट्रैफिक कितना ज़्यादा है अभी फिलहाल, और देखो भाई ये बंदे को देख रहे हो, ये देख रहे हो
भाई थोड़ा देख के क्रॉस कर लिया करो। एंड बहुत ज़्यादा अभी रिस्की हो चुका है ये वाला लाइन पे, क्योंकि अभी ना गाइस ये वाला जो अभी रोड देख रहे हो अभी टू लाइन हो चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी है ना भाई छोटे छोटे कार बहुत तेज़ से दौड़ते रहता है। एंड गाइस यहाँ पर मामा लोग बैठे हुए हैं, पहुंच चुके हैं बिहार मोड़ पे, और ये रहा कुछ नज़ारा बिहार मोड़ के। और पहले से ज़्यादा अभी ट्रैफिक भी बढ़ चुका है, हर जगह आप लोगों को मामूक बैठने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा अभी हर जगह पे, जैसे आप वहाँ पर देखिए अपर बाहडोगरा पे। एंड गाइस ये रहा बिहार मोड़, एंड यहाँ पर भी मामा लोग बैठे हुए हैं, एंड अभी देख सकते हो इधर भी मामा लोग, हर जगह पे मामा लोग अभी बैठे। भैया पहुँच चुके हैं यहाँ पर सर्विसिंग करवाने के लिए, तो थोड़ा यहाँ पर रुकते यार देखते हैं। जो भैया का अपाची आर्टर 200 तो इसको हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर छोड़ना ही बस था इसका, एक दिन दो या दो तीन दिन के बाद में इसको मॉडिफाई हो जाएगा। एंड गाइस अपना जो ब्लैक में इधर में है तो जाता है सर्विस सेंटर थोड़ा। एंड लेट्स सी, ब्लैक मैंने फ्यूल अप करवा लेता है, उसके बाद आपको बताता है इसमें कैसे खर्चा पड़ा जो कि फ्री सर्विसिंग में। एंड गाइस कितना मोटा ज़्यादा यहाँ पर खर्चा पड़ा है अपना एन एस 200 में एंड ब्लैक मैन पे। तो सबसे पहले अपना फ्यूल अप करवा लेता है। ब्लैक मैन पे फ्यूल अप हो चुके हैं। एंड गाइस जैसे कि देख सकते हो तो आप लोग इसका थोड़ा बहुत लुक अभी फिलहाल के लिए चेंज लग रहा होगा, क्योंकि भाई ने थोड़ा इसका वाइजर थोड़ा चेंज कर दिया है चुका है। एंड गाइस अपना जो सर्विसिंग में अप्रॉस जो खर्चा पड़ा है थ्री सर्विसिंग में वो पड़ा है अराउंड 900 रुपये, और 300 रुपया जिसको मुझे लिया वो लोग सर्विसिंग करने के लिए, जो कि मुझे 300 रुपया फिक्स देना पड़ा उन लोगों का सर्विसिंग कॉस्ट। एंड इसमें मोबाइल डलाया गया जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पेपर पे, एंड 595 ऐसे ही समथिंग होगा, मतलब 600 रुपया मान के चला। उसके बाद मैंने ऑयल फिल्टर चेंज किया जो कि समथिंग 76 यानी 80 रुपीज़ पकड़ के चलो, जैसे कि आप लोग फोटो पे देख ही रहे होंगे कितना रुपया जैसे पड़ा। तो लगभग मेरा थ्री सर्विसिंग में मेरा जो कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 900 रुपये जैसे, और यहाँ का जितना भी मेरा था जैसे आप लोग स्टार्टिंग में देखा तो कुछ मेरा ऑयल कम होने की वजह से ये लाइट जलना स्टार्ट हो गया था, और कुछ यहाँ का अपडेटिंग होता है जिसकी वजह से मेरा जो है इंजन लाइट वो भी जलना स्टार्ट हो गया। एंड गाइस इससे हम लोग एक चीज़ पता चलता है कि हमारा जो इंजन में कुछ दिक्कत यानी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके वजह से सॉफ्टवेयर का ये जैसे मेरा जो एन एस 200 में ऊपर सॉफ्टवेयर का उसके बाद ये जो लाइटिंग था ये दोनों गायब हो चुका है। जो ऊपर वाला था जो रेड कलर का जो लाइटिंग था वो एक्सल में हमारा ऑयल के लिए था, जो मेरा ऑयल जो है इंजन ऑयल थोड़ा कम हो चुका था जिसकी वजह से लाइट जलना स्टार्ट हो गया है। एंड अभी प्रॉपरली ठीक है, क्योंकि आपका गाड़ी में दो चीज़ अभी जलना लग जाए ना तो कभी भी पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को तो बहुत सारा लोग ऐसे अगर क्या हो जाता है कि जब भी ये दोनों चीज़ जलना स्टार्ट हो जाता है भाई बाई चांस इंजन लाइन अगर जलना स्टार्ट हो जाता है बहुत सारा लोग को क्या हो जाता है कि पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है, कि लोग बोलते हैं यार क्या हो गया लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस ये कुछ सॉफ्टवेयर का मेजरली प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ये जलना स्टार्ट हो जाता है। एंड आपको उतना घबराने वाला बात नहीं है, आपको क्या करना है सर्विस सेंटर आपको जो नज़दीकी पड़ता है वहाँ पर आपको जाना है। एंड गाइस आप लोगों को जल्द से उसको बताना है कि ऐसे जो जलना स्टार्ट हो गया वो लोग क्या करेगा अपना जो बाइक है ना उसको वो लोग क्या करेगा सॉफ्टवेयर कर देगा, जैसे कि अभी जो BS30 का जितना भी प्रॉपरली आता है सारा चीज़ अभी मशीन से होता है, जिसकी वजह से वो लोग सॉफ्टवेयरली मेजरली प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से ये जलना स्टार्ट हो जाता है एंड वो लोग रीसेट कर देते हैं। तो ये बाइक देखो अभी पूरा साफ हो चुका है। एंड गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक मारना, और बताना भाई का क्या कमी रहेगा जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।